तरह का झूठ, हर तरह का प्रपंच, हर तरह की अफवाह, हर तरह का लोभ लालच सब कुछ प्रयोग करके देख लिया, फिर भी 100 सीटें नहीं पा सके। 99 सीटें जीते हैं, उनको इस बात का एहसास कर लेना चाहिए कि सरकार फिर भी उनकी नहीं बनी है। बिना सपा के सहयोग से 1 सीट जीत नहीं सकते हैं और अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल बनारस में कहा कि अगर प्रियंका बनारस से चुनाव लड़ती तो पीएम मोदी को हरा देती। बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद है। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो वो पीएम मोदी को 1-2 लाख वोट से हरा देती। हर तरह का झूठ, हर तरह का प्रपंच, हर तरह की अफवाह, हर तरह का लोभ लालच सब कुछ प्रयोग करके देख लिया, फिर भी 100 सीटें नहीं पा सके। लगातार इतनी पराजय होने के बाद भी इतनी आत्ममुग्धता। 99 सीटें जीते हैं, उनको इस बात का एहसास कर लेना चाहिए कि सरकार फिर भी उनकी नहीं बनी है, सरकार मोदी जी की बन गई है, उसके बावजूद इतने बड़े बोल बोल रहे हैं। अरे भी प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश के चुनाव की प्रभारी रह चुकी हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दे चुकी हैं, और परिणाम क्या हुआ था? 2 विधायक जीत के आए थे, वो भी समाजवादी पार्टी के सहयोग से। बिना सपा के सहयोग से 1 सीट जीत नहीं सकते हैं और अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बेहतर है कि चुनाव की तैयारी करें। किसी ने मना तो किया नहीं था कि बनारस से चुनाव लड़ रहे, और बनारस से कोई ऐरू गैरू नथु खैरू चुनाव नहीं लड़ा था, उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा था, और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष लड़ने के बाद तीसरी बार फिर आ रहा है। इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, वो मुगालते में जी रहे, आत्ममुग्धता में जी रहे। उन्होंने अयोध्या को लेकर भी पार्टी पर तंज कसा है। देखिए, अयोध्या का परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की उन पंक्तियों को हमेशा याद करते हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता या तो जीतता है या सीखता है। इस परिणाम के कई सारे सबक हैं, हम उसको सीखने का काम करेंगे। हर बूथवार समीक्षा करेंगे कि क्या कारण थे, क्या मुद्दे थे जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन इसके आधार पर यह तय करना कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां ठीक नहीं थी, अगर नीतियां ठीक नहीं होती, मोदी जी का प्रभाव नहीं होता, तो उड़ीसा में इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री कैसे होती? और आज मध्य प्रदेश की सारी सीटें भाजपा जीती है, आज उत्तराखंड की सारी सीटें भाजपा जीती है, दिल्ली की सारी सीटें भाजपा जीती है, हिमाचल की सारी सीटें भाजपा जीती है। 7 राज्य ऐसे हैं जहां 100% सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, और 3 राज्य ऐसे हैं जहां केवल 1 सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 हो, या गुजरात में 26 में से 25 हो, या जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस उड़ीसा में 21 में से 20 जीते हैं। तो बीजेपी का प्रभाव देशव्यापी रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। दक्षिण के राज्यों में हमारा मत प्रतिशत बढ़ा है, हाँ उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, इनके कारणों की हम समीक्षा करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कह रहे हैं 400 पार का नारा थोड़ा गलत बैठ गया। देखिए, जब भी कोई जीत होती है तो उसके सारे समीकरण, उसकी रणनीति, उसकी नीति सबकी जीत होती है, और जब कहीं पर अपेक्षित सफलताएं नहीं मिलती हैं तो अपेक्षित सफलताओं के ना मिलने के कई कारण गिने जाते हैं। 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी का परिणाम अपेक्षित नहीं हुआ था तो इंडिया साइनिंग फील गुड जैसे नारों की को फेल माना गया था, उनकी उनकी विफलता मानी गई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का देशव्यापी प्रभाव रहा है, इसको लेकर के कोई संशय नहीं है। मोदी जी के प्रभाव के कारण ही आज तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। गरीब कल्याण नीतियों के कारण गरीबों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, इसको देशभर ने स्वीकार किया है। मोहन भागवत के कई बयान ऐसे आ रहे हैं जो देख के लग रहा है आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समवैचारिक संगठन है, मात्र संगठन है, हम उससे कई बार परामर्श करते हैं, चीजों को सीखते हैं, और जहां जहां आवश्यकता होती है वहां उनसे सुझाव भी लेते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं। मीडिया इसको आकलन लेकर के करता है कि संघ के भाजपा के संबंध कैसे हैं, लेकिन संघ और भाजपा के संबंध दूध में जैसे मिश्री घुल जाती है वैसे ही है। हम दोनों का एक लक्ष्य है कि समाज कैसे आगे बढ़े, देश कैसे प्रगति करे। आखिरी सवाल मेरा, मनोज पांडे हैं, बागी विधायक हैं, उचार से विधायक हैं, उनके नाम के आगे काली पट्टी चिपका दी गई है जहां पर नेता मुख्य सचेतक उनके लिखा हुआ है। देखिए, विशेष करके ब्राह्मणों को लेकर के समाजवादी पार्टी का रवैया हमेशा से ऐसा रहा है, वो जानबूझ करके अपमानित करने का प्रयास करते रहे हैं। आखिरकार ये विचार समाजवादी पार्टी करे ना कि क्यों उनकी पार्टी के तमाम विधायक उनकी पार्टी छोड़कर के चले गए, उनके मुख्य सचेतक उनकी पार्टी छोड़कर के चले गए। अब समाजवादी पार्टी इन बातों का अवलोकन करने के बजाय अगर केवल इस जीत के आधार पर इस मुगालते में आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश की जनता उसके साथ है, तो उसे याद रखना चाहिए कि 2014 हारे हैं, 2017 हारे हैं, 2019 हारे हैं, 2022 हारे हैं, पंचायत चुनाव हारे हैं, निकाय चुनाव हारे हैं। इतनी पराजय के बाद अगर एक लोकसभा के चुनाव में बीजेपी से कुछ सीटें उनको ज्यादा मिली हैं, जबकि वोट प्रतिशत के मामले में अभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो मार्जिन की जीत है वो भी भारतीय जनता पार्टी की नोएडा की है, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को इस पर आत्ममंथन करना चाहिए कि उनकी पार्टी के विधायक क्यों टूटे हैं। सवाल आपसे बनता है, क्या लगता है आपको, आप तो इतने पुराने बीजेपी के नेता हैं, क्या कमी रह गई? देखिए, किसी भी जय के कई सारे कारण होते हैं और किसी भी पराजय के कई सारे कारण होते हैं।
स्थानीय स्तर पर स्थानीय कारण कई जगहों पर महत्वपूर्ण हुए हैं, स्थानीय कारण क्या क्या रहे हैं, पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियां कहां कमजोर रही हैं, क्या कहीं शासन प्रशासन से कहीं किसी प्रकार की चूक हुई है, बूथ स्तर पर इसकी जब तक समीक्षा नहीं करेंगे, क्योंकि 2.5 महीने का एक लंबा कैंपेन था, एक वर्ष से लगभग लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तो लंबे समय से की गई तैयारियों में कमियां कहां रह गई हैं, उसको कुछ दिन में या कुछ हफ्ते में नहीं देखी जा सकती है, इसको लेकर के लगातार मैराथन प्रयास होंगे। और भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यक्रम के बाद समीक्षा करने का काम करती है, इसकी भी समीक्षा होगी, कारणों को निश्चित तौर पर निकलकर सामने आएंगे और उन कारणों का निवारण करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसके बात करने के लिए राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी नेता हैं और साफ कह रहे हैं कहीं गड़बड़ी हुई है तो उस पर काम किया जाएगा। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।